सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज एक मीटियोर 350 का डिलीवरी है, वो भी मेरा एक एकदम क्लोज फ्रेंड उसका ही डिलीवरी है। तो चलो बाइक को डिलीवरी लेते। इससे पहले मैं जितना भी बाइक डिलीवरी लिया था वो मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक था, मतलब NS R15 डोमिनार ये सब MT15 ये सब लिया था। तो आज क्रूजर सेगमेंट का पहला डिलीवरी होने वाला है, कलकत्ता से ही लेगा अपन। तो चलो एक्चुअली वो नहीं ले रहा है, वो उसको पापा उसके मतलब पापा के लिए ले रहा है, वो भी चलाएगा। तो चलो मिलते हैं सीधा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइज आ चुके हैं अभी रोड पे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, और ये चेक करो, ये मैं लगाया हूँ, अभी कनेक्शन नहीं है, अभी जस्ट फॉल्स लगा हुआ है शो के लिए, लुक्स के लिए। अभी इस साइड पे भी लगाऊंगा एक ब्रेक पे, इधर भी एक लगेगा वो, तब भी और भी अच्छा लुक लगेगा। और ये मैं लगा दिया हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत मतलब छींटे उठते हैं, पूरा पीट वीट एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं ये टायर अगर लगा दिया बाद में खोल दूँगा। चलो क्या साउंड है भाई, कितना कूल साउंड देता है भाई ये एयर फिल्टर। तो गाइस एक बात मैं बता देता हूँ, तो इसमें अभी ये जो बाइक है ना स्पाइडर MT15 मेरा, इसमें जितना मॉडिफिकेशन हुआ है वो तो मतलब हर कोई कर रहा है, मतलब ऐसा ही सेम मॉडिफिकेशन शायद हर कोई कर चुका है। ये लगा लिया है, एडजस्टेबल लीवर भी लगा लिया है बहुतों ने, और फ्रेम स्लाइडर भी लगा लिया है बहुतों ने। और MT15 लेने के बाद तो टिल्ट आईडी हर कोई करवाता है, एयर फिल्टर भी शायद कोई लगाया कोई नहीं लगाया, पता नहीं। MT15 में, मैं MT15 का बात कर रहा हूँ, कलकत्ता के अंदर, तो ये सब मॉडिफिकेशन बहुतों ने करवा चुका है, मगर जो मैं अगले एक दो हफ्ते में करवाने वाला हूँ शायद कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में कोई नहीं करवाया अपने MT15 पे। ये वेस्ट बंगाल का पहला MT15 होगा जिसमें वो वाला मॉडिफिकेशन होगा। अभी क्या होगा क्या लगवाऊंगा वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि कॉपी हो सकता है मेरे से पहले कोई करवा ले तो मैं इसको वेस्ट बंगाल का नंबर 1 MT15 बनाना चाहता हूँ, मतलब उस हिसाब से वो जो मॉडिफिकेशन होगा उसके हिसाब से। तो वैसा कोई नहीं करवाया है अभी तक, अभी क्या है अब लोग गेस करो, अब लोग रिसर्च करो थोड़ा के कौन सा मॉडिफिकेशन अभी तक MT15 में नहीं हुआ है। वो मॉडिफिकेशन नहीं है, वो जस्ट एक चीज़ है जो मैं लगवाने वाला हूँ अपने बाइक पे, क्या है अब लोग कमेंट करो। तो अभी मैं जा रहा हूँ दीपन्निता, मतलब बाय द वे अब लोग दीपन्निता को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी यूट्यूब चैनल है, जो लोग मतलब स्किन केयर के रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है कोई सा भी, मतलब हेड टू टो हर एक चीज़ का केयर जो है, एक्स वगैरह ये सब होता है ना, टिप्स ब्यूटी कंटेंट, अगर देखना चाहते हो तो दीपन्निता को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका यूट्यूब चैनल का नाम है डेजलिंग दीपन्निता, DAZZLING दीपन्निता। तो अभी मैं उसके घर के करीब जा रहा हूँ, उधर से दीपन्निता और दीपन्निता का हस्बैंड अभिजीत वो आएगा क्योंकि उसका ही डिलीवरी है बाइक का, मीटियोर 350। यार मीटियोर एक ऐसा बाइक है ना, मतलब बहुत कंपटीटर है मीटियोर का मार्केट में, बहुत कंपटीटर है वो, ESD हो गया, जावा हो गया, होंडा का एक है वो हो गया, मगर ये मीटियोर एक ऐसा बाइक है ना, उसमें इतना मतलब कंफर्टेबल है, अब लोग कंफर्टेबली बैठ पाओगे, सीटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है,
जावा का भी है मगर उतना नहीं है जितना मेटियर का है। मेटियर का स्लिंग पोस्टर कैसा है ना, ये जो हैंडल आता है ना, मतलब क्रूजर सेगमेंट का जो हैंडल होता है ऐसा, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा उठ के थोड़ा मतलब तुम्हारे तरफ आ रहा है उसका हैंडल, तो मतलब पकड़ने में भी बहुत ईजी होगा। और जो फुट स्पेक्स का पोजिशन है वो मेरे पीछे है, वो सब बाइक में थोड़ा इधर है, तो मतलब समझ सकते हो हैंडल आपके तरफ और पैर आगे की तरफ, तो बहुत मतलब कंफर्टेबली आप बैठ पाओगे। उसका सीट एकदम परफेक्टली मेटेड है भाई, बहुत कंफर्टेबल सीट है, कुशन बहुत सॉफ्ट है। होंडा का जो एक आता है ना क्रूजर 350 कुछ ऐसा, क्रूजर सेगमेंट का एक बाइक है, नाम मतलब मैं भूल रहा हूँ अभी, वो बहुत ही अच्छा बाइक है, मगर इसमें मेटियर में जो फील है वो नहीं है। आप एक 350cc चला रहे हो, उसमें जो फील है ना वो बहुत मतलब एकदम स्मूथ है। होंडा का जो आता है ना वो ओवर स्मूथ है एकदम, आप मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, इतना स्मूथ है। ठीक है, तो एक 350cc चला रहे हो, क्रूजर सेगमेंट चला रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब वो भारी भरकम फील तो आना चाहिए ना। एकदम वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है मतलब बाइक पे, यार बाइक पे वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है, मगर फिर भी एक तुम 350 चला रहे हो तो एक तो फील होता है ना, वो भी नहीं है, इतना स्मूथ कर दिया है होंडा ने। तो यही है, उसमें कंफर्टेबल नहीं है मैं बोल रहा हूँ, मेटियर से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है होंडा, स्पीड ज़्यादा है, फील उतना ज़्यादा नहीं है। तो मीटियर एकदम परफेक्टली मेटेड बाइक है क्रूजर सेगमेंट में, जो लोग बाइक लेना चाहते हो, बजट है, पहले तो मीटियर का प्राइस कम था, अभी मतलब तभी तो 1,85,000 के समथिंग आता था, अभी बढ़ चुका है मीटियर का प्राइस। और इसका साउंड भाई कितना मस्त है, तो 3 महीना मतलब एकदम शांत से चला रहा था, रवि जो फील है ना वाओ। क्या फील दे रहा है भाई भाई, यार अब लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करो यार, आप लोग कहाँ से हो कमेंट करो, कहाँ से आप लोग देख रहे हो कमेंट करो, मतलब कुछ भी कमेंट करो, नहीं तो वीडियो का रीच नहीं बढ़ेगा भाई, मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो ना वीडियो का रीच नहीं बढ़ेगा, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा मेरा वीडियो और मैं यहीं पर मतलब स्टक हो जाऊँगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी ग्रो करूँ यूट्यूब पर, तो प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर भी करो। मैं शेयर के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अब लोग किसको शेयर करोगे भाई, अब लोग मोटो ब्लॉगिंग तो खुद देखते हो ना, खुद मज़ा लेते हो मोटो ब्लॉगिंग देख के, तो शेयर किसी को नहीं कर पाओगे, रील्स नहीं है कि शेयर करते हैं चलो, तो शेयर के ऊपर अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है शेयर करना है कि नहीं करना है, शेयर करो या ना करो, लाइक करो, कमेंट प्लीज़ करो यार, जितना भी बंदा देख रहे हो ना प्लीज़ कमेंट करो, आप लोग कहाँ से हो, आपका आपके पास क्या बाइक है, अगर बाइक नहीं है तो क्या सपना है बाइक लेने का, ये सब कमेंट करो। और ये चीज़ भी कमेंट करो कि मैं क्या लगवाने वाला हूँ अपने बाइक पे, जो कि मेरे मतलब बाइक को वेस्ट बंगाल का नंबर वन बाइक बनाएगा, MT15 बनाएगा, जिस पर वो मॉडिफिकेशन होगा और किसने नहीं कराया हुआ होगा वो वाला मॉडिफिकेशन, अभी क्या मॉडिफिकेशन है वो अब तो गेस्ट करो, गेस्ट करके कमेंट में भर दो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी अभिजीत के घर पे, और ये अभिजीत है, अभी तो हम लोग निकलने वाले थे मगर बाहर बहुत जोर से बारिश आ गया है, तो मैं दिखा देता हूँ हम लोग कई बार, गाइस देख लो बहुत ज़ोर से बारिश आ चुका है, तो अभी हम लोग निकल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा रुकते हैं इधर और जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो आ चुके हैं अभी रोड पे, बहुत पहले ही निकल चुके थे, तो बहुत दूर है ना, तो इसलिए थोड़ा मिडिल पे आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो अभिजीत और दीपानिता पीछे है, आ रहा है स्कूटी लेके। अभी चलते हैं शोरूम पे और शोरूम पे जाके अब लोगों को दिखाते हैं मीटियोर 350। तो आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। चलो अभी हेलमेट को उतरते हैं भाई। ये देखो, ये है रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल का भाई इंटरसेप्टर 650। तो ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। और इधर सबका पसंद बेस्ट रेट्रो लुक माना जाता है इसको, क्लासिक 350 को, मतलब बेस्ट बुलेट माना जाता है इसको। ये है क्लासिक, वो भी क्लासिक था, ब्लैक के साथ रेड था, और इसमें मतलब थोड़ा ग्रीनिश काइंड ऑफ। वाओ, यूनिक कलर है ये। और ये है मीटियोर 350। तो जो फ़र्क है इसमें और इसमें, मतलब बहुत फ़र्क है, जो पोस्टर का फ़र्क है वो ये देखो, ये इधर से उठ के तो सीधा आता है ना, मगर ये है, ये मतलब इधर से उठ के आपके तरफ आता है, और फुटपेक्स थोड़ा आगे की तरफ। इसका फुटपेक देखो, आप इधर बैठोगे इधर ही है, अगर इसका देखो आप इधर बैठोगे थोड़ा आगे की तरफ है। तो ये है कंफर्टेबल ज़्यादा इससे। ओपन अभी तक कितना कर चुके? अभी तक 40 हो गए, 50 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, टोटल 80 है। 80। तो गाइज अभी पेमेंट हो चुका है बाइक का, जो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी हो चुका है। अभी बाइक जाएगा धुलने, वॉश होने, उसके बाद थोड़ा वो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेग गार्ड लगेगा, और उसके बाद डिलीवरी होगा। तो तब तक आप लोग थोड़ा सिनेमेटिक इन्जॉय कर लो। गाइज अभी अंकल देख रहा है, एक्चुअली ये बाइक अंकल के लिए है, 16 साल के बाद सपना पूरा हुआ। ऐसे देख रहा है पूरा खा जाएगा बाइक को। ये भी खरीदने आया है, रॉयल एनफील्ड खरीदेगा ये। थोड़ा मैं निकलता हूँ ये सब, ये इस साइड पे पास है, ये लो बीम, ये हाई बीम है, ये तो इंडिकेटर है, ये हॉर्न है, ये इग्निशन, ये इंजन किल, इधर मतलब इंजन ऑन, और ये है सेल्फ, इस साइड पे लाओगे तो सेल्फ होगा, और ये लाइट का, हेडलाइट का, और नीचे कुछ नहीं। मैं आप लोगों को एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ आप लोग, थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल में, इधर एनालॉग और बीच में डिस्प्ले, इधर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इधर टाइम आ रहा है, ये जो है ये फ्यूल का सिग्नल दे रहा है, ये टोटल मतलब ट्रिप मीटर। बाय द वे ये डुअल चैनल एबीएस में है, डुअल चैनल एबीएस पे है गाड़ी। इसका जो पीछे वाला जो डिस्क है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब अब लोग को कैमरा जस्टिस नहीं करवाएगा शायद, मगर पीछे वाला डिस्क बहुत बड़ा है। इंजन कट ऑफ सेंसर भी है इसमें। तो गाइज अभी शानदार बोलेगा
क्या क्या फीचर्स नया इंक्लूड हुआ है इसमें? एक्चुअली मेटियोरटा হচ্ছে সেমি ক্রস মোটরসাইকেল এর ক্রুজিং সেগমেন্টের মধ্যে পড়ছে। এবং এটা যেটা চেসিস আছে সেটা হচ্ছে ডুয়েল ডাউন টিউব চেসিস এবং এটার যে ইঞ্জিন পার্টটা আছে 350cc এয়ার অয়েল কুলড ইঞ্জিন। এবং এটা রিসেন্টলি আমাদের 2020-21 এ লঞ্চ মোটরসাইকেল। তো এটার আরেকটা বেনিফিট যেটা ইঞ্জিন পার্টের থেকে যে বেনিফিট আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে তোমার টিউবলেস অ্যালয় হুইলের সাথে আছে। তিনটা ভেরিয়েন্টের মধ্যে হয়, ফায়ারবল, স্টেলার অ্যান্ড সুপারনোভা। ডিফারেন্সটা কালার অনুযায়ী ডিফারেন্স আসে মডেলগুলোর মধ্যে। আদারওয়াইজ এটা হচ্ছে স্টেলার সেগমেন্টে পড়ছে, স্টেলার ব্ল্যাক বলা, এটা ম্যাট ফিনিশ ব্ল্যাকের মধ্যে আসে। এছাড়া অ্যাডভান্টেজ ও ফিচার্স যদি বলতে চাও, ফিচার্স হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারের দিকে আমরা আসি, তো এটা তুমি দেখতে পাবে হচ্ছে ডিজি অ্যানালগ মিটার বলা হয়। এটা এখানে তোমার ট্রিপ মিটার, গিয়ার বা তোমার নিউট্রাল এই ফাংশনিংগুলো, স্পিডোমিটার একটা মিটারের মধ্যে থাকে, চাইলে পরে এটা ট্রিপ মিটারও অ্যাড অন করে নেওয়া যায়। এবং এর সাথে এখানে USB চার্জিং পয়েন্ট দেওয়া হয় 2 অ্যাম্পিয়ারের। এছাড়া এই সুইচগুলো কিউবগুলো অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে আসছে, যেগুলো আরও প্রিমিয়াম চ্যানেল ABS। ইঞ্জিন কাট অফ সেন্সর ভি হাই ইসমে স্ট্যান্ড সাইজ স্ট্যান্ড না হ্যাঁ ওটা তো তোমার যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেফটি সেন্সরের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ সাইজ স্ট্যান্ড সেন্সর বা গিয়ারে থাকে অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে, রোল ওভার সেন্সর থাকে 45 ডিগ্রি বেন্ট হয়ে গেলে গাড়ি বন্ধ হয়। ওকে ওকে হ্যাঁ তো সামজে দিতে হবে না। তো जो जो फीचर्स अभी बोला है वो सेम मैंने भी बोल चुका हूँ आप लोगों को हिंदी में, तो जो लोग बंगाली समझते नहीं हो वो लोग समझ चुके होंगे, और जो लोग बंगाली समझते हो तो सायंदा ने जो बोला। तो गाइस हेलमेट का बहुत ऑप्शंस है, तो भाई ने ये लिया है, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है ना अंदर। हाँ, से एक बार सर हिला के टाइट है ना, तो टाइट रहेगा, टाइट तो रहेगा ही ना, एक एक दो दिन में वो आपका जो फेस है उसका शेप ले लेगा। ठीक है ना, तो वो ही ले लो, नहीं तो बहुत ऑप्शंस था, मगर ये थोड़ा स्पोर्टी लुक भी दे रहा है। हाँ रॉयल इनफील्ड का लोगो ब्रांडिंग भी है। मेहनत का पैसा चला गया। हाँ गिफ्ट। तो गाइस अभी आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, विराट कोहली दिखाता हूँ। Unbelievable। तो गाइस अभी डिलीवरी होने वाला है। चलो हो चुका है अभी डिलीवरी। जब मैं छोटा था ना तब सोचता था वही चाबी घुसेगा अंदर। हल्का डिप साउंड में बहुत बेस है। ये है आगे से लुक, मतलब हेलोजिन है, सब हेलोजिन है। वो साइड का थोड़ा DRL है, सिर्फ साइड में जो आप रिंग देख रहे हो वो DRL है, बाकी सब हेलोजिन है। चलो सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ओ तो डिलीवरी हो चुका है, अभी निकलने के लिए तैयार। फिर से एक बार आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ बाइक का। बैकफायर मच, साउंड बढ़िया है रे। अरे बाइक चली चलिए घूरिए घूरिए होएगा जरम खोस एक ना हद्दे जगह। तो बच्चा का चले चोर मारने को तो गाल फाड़िए नहीं सकती। बाइक चले रहा है सीरियसली, एक को दिन 12 বছর ধরে দেখ, এই হাতে হয়নি, এই হাতটা ঘোরাতে হয় না তো।
मेहनत। तो चलो बाइक पे मिलते हैं सीधा। फ्यूल लेने के लिए रुका था अभी, मतलब मैं नहीं अभिजीत। हो तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अगर ये बाइक मतलब रॉयल इनफील्ड का मेटियर आप लोगों को पसंद है या लेने का प्लान कर रहे हो तो वो भी कमेंट में लिख देना कि पसंद है कि नहीं है, अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, कब ले रहे हो, अगर आप लोग ले रहे हो तो कमेंट करके बता देना। अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है नीचे, फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, 1000 का माइलस्टोन कंप्लीट करवा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग पे। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।